नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। और भारत नेपाल सीमा पर तैनात इमिग्रेशन के अधिकारियों ने जांच के दौरान नेपाल भाग रहे 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नागरिकों में एक ऑस्ट्रेलिया देश का निवासी है जो कुटरचित वीजा के सहारे भारत में रह रहा था। इसके साथ ही नेपाल राष्ट्र के एक पुरुष और महिला को भी गिरफ्तार किया है। दोनों नेपाली भी भारत में फर्जी वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ भारत में रह रहे थे। आवर्जन अधिकारियों ने इन सबके विरुद्ध सोनौली कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑस्ट्रिया नागरिक जनार्ड कोटेजर ने कुटरचना कर वीजा अवधि बढ़ाया था। वही नेपाल के नागरिक सुजीत लावा और महिला खत्री के कुटरचित वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं। इन सभी के विरुद्ध सोनौली थाने में कुटरचना और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। सीमा पे कहां के नागरिक पकड़े गए और पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये सोनौली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आवेदन अधिकारी के द्वारा जांच पड़ताल के क्रम में 3 विदेशी नागरिकों को जांच के लिए जब देखा गया तो उनके पास कुटरचित दस्तावेज पाए गए। इसमें एक ऑस्ट्रियन नागरिक है जगन्नाथ कोटेजर, एक नेपाल का सुदीप लावा और एक दूसरी महिला भी नेपाल की खत्री। इनके पास में जो कागजात बरामद हुए हैं, सुदीप लावा और खत्री के पास में भारत का भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड है, इसके अलावा डीजल बना हुआ जो उचित है, और जो जगन्नाथ कोटेजर ऑस्ट्रिया के का नागरिक है उसमें वीजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से उनके खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 473 14 देसी विषय अधिनियम के तहत थाना सुनौली पर मुकदमा किया जा रहा है और इसमें गहराई से छानबीन कर अगली कार्रवाई की सूचना। फरीदाबाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।